विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देने का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक के बाद एक विपक्ष के नेता सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। अब अखिलेश यादव की पार्टी के एक बड़े नेता ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है और हिंदू धर्म को एक धोखा बताया है। सपा नेता के उस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल इंडी गठबंधन में शामिल विपक्ष के नेता हिंदू और सनातन पर लगातार प्रहार करते रहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने का एक शैली है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दो बार कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती है, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो हिंदू धर्म धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है, तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महाब्राह्मण समाज पंचायत का सम्मेलन हुआ था, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का मुद्दा भी उठा था। हिंदू धर्म और रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने नाम लिया और बगैर आपत्ति जताई थी और इस तरह के बयानों पर अंकुश लगाने की मांग भी की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ऐसे बयानों से बचने की हिदायत पार्टी नेताओं को दे दी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर लगातार विपक्ष के नेता कुछ ना कुछ अक्सर बोलते हुए नजर आते हैं। ये बात बिहार की हो या फिर बिहार से बाहर की, विपक्ष के जो कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म और रामचरितमानस को लेकर भी ऐसे अटूट बयान देते रहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री की अगर बात की जाए तो वो भी अक्सर रामचरितमानस और सनातन पर लेकर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो अब अखिलेश यादव की पार्टी के एक बड़े नेता ने हिंदू धर्म को धर्म नहीं बल्कि एक धोखा बताया है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।